स्वागत है आप सभी का तफ्तीश की इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह। तफ्तीश की इस कड़ी में हम आपको अगले आधे घंटे में दिखाएंगे जुर्म की सबसे बड़ी खबरें। उन खबरों की करेंगे तफ्तीश, अपराध की वजहों की करेंगे पड़ताल, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन अपराधों का समाज पर कितना असर पड़ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं तफ्तीश की आज की कड़ी। तफ्तीश में सबसे पहले बात सबसे बड़े खुलासे की। यह खुलासा हुआ है दाऊद के भारत कनेक्शन का। हम खुलासा करेंगे कैसे धर्म की आड़ में आतंकी नींव तैयार की गई थी। विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के राज अब सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को हवाला के जरिए अंडरवर्ल्ड का पैसा मिल रहा था। ये राज खुला है जाकिर नाइक के एनजीओ के सीएफओ आमिर गजधर ने, जिसे 16 फरवरी को मुंबई में गिरफ्तार किया गया था। विवादित उपदेशक के डॉन से दोस्ती की काली कहानी आप भी देखिए। जाकिर नाइक पर बड़ा खुलासा सामने आया, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। जाकिर नाइक के सीएफओ का बड़ा खुलासा। ईडी की पूछताछ में आमिर गजधर का कबूलनामा। जाकिर के एनजीओ का डी कंपनी कनेक्शन। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में डी कंपनी का पैसा। मुंबई में एनजीओ का दफ्तर, कराची दुबई से फंडिंग। जाकिर के आईआरएफ में डी कंपनी का पैसा। विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के दबे हुए कई राज अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। इस्लाम के नाम पर समाज में नफरत के कड़वे बोल बोलने वाले जाकिर नाइक के तार अब अंडरवर्ल्ड तक जुड़े दिखाई दे रहे हैं। ईडी के शिकंजे में फंसे जाकिर के एनजीओ के सीएफओ ने जाकिर और दाऊद की दोस्ती के कई राज खोले हैं। सूत्रों के मुताबिक जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को हवाला के जरिए अंडरवर्ल्ड का पैसा मिल रहा था। सूत्रों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड का ये काला पैसा दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के जरिए जाकिर नाइक के एनजीओ में पहुंच रहा था। कराची से लेकर दुबई तक फैले डॉन के कारोबार में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को हवाला के जरिए मोटा पैसा भेजा जाता था। अपनी काली कमाई को डी कंपनी का डॉन जाकिर नाइक के जरिए सफेद कर रहा था। 16 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय की पकड़ में आए जाकिर नाइक के सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आमिर गजधर ने कड़ी पूछताछ में बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक आमिर गजधर ने ईडी के सामने खुलासा किया है कि जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को अंडरवर्ल्ड से फंडिंग मिल रही है। दाऊद की डी कंपनी के जरिए एनजीओ को पैसा मिल रहा था। आमिर गजधर के मुताबिक दाऊद इब्राहिम के एक खास आदमी ने एनजीओ में काफी बड़ी रकम ट्रांसफर की थी। मुंबई में कराची और दुबई से आता था हवाला का पैसा। आईआरएफ से गलत तरीके से सऊदी अरब, यूके और कई छोटे अफ्रीकन देशों में पैसा भेजा जाता था। सूत्रों के मुताबिक आमिर गजधर ने पैसे का असली सोर्स छिपाने के लिए कई फर्जी कंपनियां भी बनाई। आमिर 6 कंपनियों का डायरेक्टर है, जिसमें से 4 भारत में है और 2 भारत से बाहर। मुस्लिम धर्म गुरु जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के फंडिंग के तार अब पाकिस्तान और दाऊद तक जा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 3 दिन पहले ईडी ने जाकिर नाइक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आमिर गजधर को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हिरासत में लिया था, और जैसे ही पूछताछ आगे बढ़ रही है इसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आमिर गजधर से पूछताछ और जाकिर नाइक के एनजीओ से जुड़ी फाइलों की जांच के बाद इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के रिश्ते दाऊद इब्राहिम से जुड़ते नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो दाऊद इब्राहिम का खास और पाकिस्तान का वाला डीलर सुल्तान अहमद भी फंडिंग के लिए बिचौलिए का काम कर रहा था। जाकिर नाइक की मुश्किलें बढ़ना तय लग रहा है, और कहीं ना कहीं अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उससे ये भी साफ हो रहा है कि किस तरीके से आईआरएफ को एनजीओ की शक्ल देकर चलाए जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसके तार भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे दाऊद तक जा मिले हैं।
जाकिर नाइक साल 2012 में दुबई में सुल्तान अहमद से मिला था और तब से जाकिर के एनजीओ को यूके और अफ्रीकन देशों से फंडिंग शुरू हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी को शक है कि गजधर ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की ओर से 200 करोड़ रुपए के लेन देन का काम किया। ईडी के खुलासे के बाद ये साफ हो रहा है कि दाऊद की काली कमाई का सफेद मैनेजर जाकिर नाइक है। अब देखना यह है कि दाऊद की काली कमाई को जाकिर के एनजीओ ने धर्म की आड़ में कहां कहां इस्तेमाल किया है। ईडी फिलहाल कराची के कुछ कारोबारियों की पड़ताल कर रहा है। ये कारोबारी दाऊद के करीबी बताए जाते हैं। इन कारोबारियों ने हाल ही में नाइक के एनजीओ के बैंक खातों में काफी पैसा डाला था। जांच में आए इस नए मोड़ पर नाइक और आईआरएफ अधिकारियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है, लेकिन जाकिर के वकील आईआरएफ में अनैतिक फंडिंग और दाऊद कनेक्शन से इनकार कर रहे हैं। बहरहाल ईडी ने जाकिर नाइक को भी समन जारी किया है, जिनका अब तक एजेंसी के सामने पेश होना बाकी है क्योंकि वो देश से बाहर है। इससे पहले एनआईए ने 51 साल के जाकिर नाइक के खिलाफ कई धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य को कथित रूप से बढ़ावा देने को लेकर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत केस दर्ज किया था। मुंबई से कविता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। बिहार कांग्रेस के उपाध्यक्ष ब्रिजेश पांडे पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा है। पटना के एक हाई प्रोफाइल मामले में पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि ब्रिजेश पांडे और उसके सहयोगी बड़े घरों की लड़कियों को फंसाकर उनका शारीरिक शोषण करते हैं। ये मामला एक पूर्व मंत्री की नाबालिग बेटी के यौन शोषण से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने अपनी जांच में इस पूरे मामले को सच पाया है। बताया जा रहा है कि ब्रिजेश पांडे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से कई बार मिल चुका है और सियासी गलियारे में उसकी पहुंच ऊंची है। राहुल गांधी का खास, बिहार कांग्रेस का गंदा चेहरा, दलित मंत्री की बेटी का गुनहगार, निखिल प्रियदर्शी केस में बड़ा खुलासा, सेक्स रैकेट का सरगना है ब्रिजेश पांडे। ये वही ब्रिजेश पांडे है जिसके हाथों में अभी अघोषित तौर पर बिहार में कांग्रेस की कमान है। वैसे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तो अशोक चौधरी हैं, लेकिन सियासत करने वाले जानते हैं कि बिहार कांग्रेस में वही होता है जो ब्रिजेश पांडे चाहता है। तभी तो राहुल गांधी ने जब नोटबंदी की मुहिम छेड़ी तो बिहार में ब्रिजेश पांडे को ही उसका प्रमुख बनाया गया। लेकिन इस कांग्रेसी नेता के हाथ बहुत मैले निकले। पटना के चर्चित यौन शोषण मामले में पुलिस की जांच में कांग्रेसी नेता ब्रिजेश पांडे नाबालिग दलित लड़की के यौन शोषण का दोषी पाया गया है। शोषण का शिकार बनी लड़की एक पूर्व मंत्री की बेटी है। हाई प्रोफाइल निखिल प्रियदर्शी कांड की जांच कर रही डीएसपी ने आरोपी कांग्रेसी नेता ब्रिजेश पांडे की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। 2 महीने की तफ्तीश में सनसनीखेज खुलासा, पीड़ित के आरोप पर पुलिस ने लगाई मुहर। निखिल और ब्रिजेश ने किया यौन शोषण, ब्रिजेश पांडे की गिरफ्तारी के आदेश। पटना के SC/ST थाने में एक पूर्व मंत्री की बेटी ने केस दर्ज कर ऑटोमोबाइल कारोबारी निखिल प्रियदर्शी पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ी तो ब्रिजेश पांडे का नाम सामने आया। पीड़िता ने पुलिस के सामने दिए गए बयान में ब्रिजेश पांडे को सेक्स रैकेट का संचालक बताया। पीड़िता के मुताबिक निखिल प्रियदर्शी और ब्रिजेश पांडे ने मिलकर उसका यौन शोषण किया। पीड़िता ने पूरी वारदात का जिक्र भी किया। एक बार निखिल प्रियदर्शी मुझे बोरिंग रोड की फ्लैट में लेकर गया। निखिल के साथ ब्रिजेश पांडे भी था। वहाँ मुझे निखिल प्रियदर्शी ने माजा पिलाया जिससे मैं अचेत हो गई। उसके बाद निखिल प्रियदर्शी मुझे छोड़कर बाहर चला गया। उसी समय ब्रिजेश पांडे ने गलत नियत से मेरे शरीर के नाजुक अंगों को छुआ। जिसके मुताबिक एक बार निखिल प्रियदर्शी उसे बोरिंग रोड के एक फ्लैट में लेकर गया। निखिल के साथ ब्रिजेश पांडे भी था। वहाँ निखिल प्रियदर्शी ने उसे माजा पिलाया जिसमें वो बेहोश हो गए। इसके बाद निखिल प्रियदर्शी उसे छोड़कर बाहर चला गया और उसी समय ब्रिजेश पांडे ने गलत नियत से उसके शरीर के अंगों को छुआ। पुलिस के सामने दिए गए बयान में पीड़िता ने और भी संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़िता के मुताबिक ब्रिजेश पांडे और निखिल प्रियदर्शी सेक्स रैकेट चलाते हैं जिसका मकसद भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उनका यौन शोषण करना है।
पुलिस की तफ्तीश में सनसनीखेज खुलासे के बाद आरोपी जमानत के लिए कोर्ट पहुंच रहे हैं। अदालत ने निखिल प्रियदर्शी के घर वालों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। वहीं ब्रजेश पांडे फरार है। बेल फाइल नहीं किया, उनका बेल फाइल होगा तो फर्दर हम लोग देखेंगे। अच्छा, क्या फरार चल रहा है? हाँ, फरार चल रहा है। इस हाई प्रोफाइल मामले ने सियासत से लेकर प्रशासनिक अमले में सनसनी फैला दी है। मामला उस कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता का है जो सरकार में बैठी है। आलम यह है कि पुलिस का कोई अधिकारी इस मामले में एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है, न सरकार में बैठे लोगों की जुबान खुल रही है। वहीं सूत्रों की माने तो मामले को रफा दफा करने की भी कोशिशें हो रही है। ब्रजेश पांडे फरार है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि उन्हें ऐसे किसी आरोपों की जानकारी ही नहीं। नहीं, अभी हम लोग को नहीं जानकारी है, पता करें, जानकारी नहीं है। कांग्रेस के ही नेता हैं, उनकी बेटी है, उनको और जो FIR SC ST थाने में किया गया था, ब्रजेश पांडे जी का भी नाम है। FIR में नाम है जी? नहीं, हमको नहीं जानकारी है। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच पहले बिहार पुलिस की कमजोर वर्ग शाखा कर रही थी। ब्रजेश पांडे का नाम आने के बाद आनन फानन में जांच का जिम्मा CID को सौंप दिया गया है। जाहिर है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या सेक्स और सियासत के इस गंदे खेल की हकीकत जमाने के सामने आ पाएगी। क्राइम डेस्क, इंडिया 24/7। अरबों की लाइक वाली लूट में हर गुजरते दिन के साथ नया खुलासा हो रहा है। इस लूट में अनुभव और वेब वर्क जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ ही कई छोटे खिलाड़ी भी शामिल थे। आज नोएडा में लाइक के बहाने लोगों को ठग रही दो और कंपनियों पर ताला लग गया और पुलिस को वेब वर्क के मालिक अनुराग गर्ग और संदेश वर्मा की रिमांड आज नहीं मिल पाई। दोनों को कल फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल फिर पुलिस दोनों आरोपियों की रिमांड लेने की कोशिश करेगी। वेब वर्क पर लाखों निवेशकों से 500 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। शहर शहर लाइक के लुटेरे, लाइक वाली लूट में नया खुलासा, सामने आए दो और साइबर ठग। लाइक के बहाने होने वाली लूट में हर गुजरते दिन के साथ नया नया खुलासा हो रहा है। जैसे जैसे एजेंसियां अपनी जांच आगे बढ़ा रही हैं, वैसे वैसे नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। एब्लेज इन्फो सॉल्यूशंस के अनुभव मित्तल ने लाइक के नाम पर 3700 करोड़ की साइबर ठगी की। अनुभव मित्तल से ठगी का कुर्स सीखने के बाद अनुराग गर्ग और संदेश वर्मा ने वेब वर्क के नाम पर 500 करोड़ की ठगी की। लेकिन ये तो लाइक के नाम पर हुए फर्जीवाड़े में शामिल बड़ी कंपनियां थीं। अब धीरे धीरे ऐसे कई और नाम और कंपनियों का खुलासा हो रहा है जो साइबर वर्ल्ड में लाइक के नाम पर लोगों को ठग रही थी। एब्लेज सॉल्यूशन और वेब वर्क के बंद होने के बाद अब नोएडा सेक्टर 3 में चल रही कंपनी नेट कोवल टेक्नोलॉजी के दफ्तर पर भी ताला लटक गया है। ये कंपनी web4u.in के नाम पर लाइक वाली लूट में शामिल थी। अभिनव गर्ग की तर्ज पर इस कंपनी ने भी FDSA का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर हजारों इन्वेस्टर्स को चूना लगाया है। एब्लेज के खुलासे के बाद से ही इस कंपनी का मैनेजमेंट अंडरग्राउंड हो गया था। कि जो ठगी क्लिक के नाम पर की गई थी, उसके बाद करीब 5 और कंपनियां ऐसी हैं जो इस तरीके से क्लिक के माध्यम से लोगों के साथ ठगी कर रही थी। हम जिस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, ये बिल्डिंग A22 सेक्टर 3 में मौजूद है और web4u के नाम से यहां पर एक कंपनी चलाई जाती थी और यहां भी लोगों को झांसा दिया जाता था। FSDI ने इस कंपनी सहित अन्य और गाजियाबाद और नोएडा की कंपनियों की शिकायत IG से की है, DIG मेरठ से की है कि इन कंपनियों द्वारा जो भी FSDI का प्रमाण पत्र दिखाया जा रहा था वो गलत था। लेकिन अब अभिनव मित्तल पर जिस जब कार्रवाई हुई और उसके बाद वेब वर्क पर कार्रवाई हुई, इसके बाद से कंपनी गायब है। web4u.in के निवेशक खुलासे के बाद अपने पैसे वापस लेने के लिए कंपनी के दफ्तर के बाहर जुट रहे हैं। मैनेजमेंट बार बार लोगों को भरोसा दिला रहा है कि उनके पैसे सुरक्षित हैं, लेकिन अब कंपनी के दफ्तर पर ताला लग गया है और निवेशकों का पैसा लेकर साइबर ठग फरार हो गए हैं। मतलब एक अकाउंट बन जाता था, उस पर हमें क्लिक आती थी, उस क्लिक के बदले में हमें कुछ पैसा वहाँ से मिलता था जब उस क्लिक को देखते थे। लेकिन क्या है कि पिछले 15-20 दिन से देख रहे थे, यहाँ पे कोई बंदा है नहीं जिससे कि मतलब कोई देख रहा है कि मतलब कुछ लोग आते हैं अपना पैसा, जिन्होंने बेचारों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो लोग आते हैं अपना देखने के लिए कंपनी है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा मिलता नहीं, ताला ठुका हुआ है सब पे। लाइक के नाम पर हो रही लूट में सिर्फ चंद कंपनियां ही शामिल नहीं थी। बड़ी मछलियों के नाम तो सामने आए, लेकिन इस खेल में शामिल छोटे खिलाड़ी अभी भी बेनकाब होना बाकी है।
नोएडा सेक्टर 63 में ग्रेट इंडिया एंटरटेनमेंट के नाम से भी लाइक का खेल चल रहा था। इस कंपनी के दफ्तर पर भी ताला लग गया है। इस कंपनी के खिलाफ भी लोगों ने FDSA से शिकायत की थी। यहाँ भी फर्जीवाड़े का फॉर्मूला वही जो एब्लेज और वेबवर्क में था। इस कंपनी के दफ्तर पर भी ताला लग गया है और निवेशक खाली हाथ है। अनुभव मित्तल और अनुराग गर्ग की गिरफ्तारी के बाद अब इस तरीके की जो कंपनियां हैं वो भागना शुरू हो गई हैं। हम सेक्टर 63 में मौजूद हैं। इस कंपनी को लेकर FDSA ने शिकायत की थी और इसके जैसी नोएडा और गाजियाबाद में करीब आधा दर्जन कंपनियां हैं जो FDSA का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर लोगों से लाइक के नाम पर पैसा लिया करते थे। यहां पर आकर हमने पता किया, लेकिन यहां पर वो कंपनी नहीं मिली और जो लोग यहां मौजूद हैं उनका कहना है कंपनी संचालक यहां पर आए थे और कुछ दिन तक उन्होंने काम किया, लेकिन जैसे ही अनुभव मित्तल की कंपनी पर STF ने कार्रवाई की उसके बाद ये लोग यहाँ से फरार हो गए। फिलहाल कुछ और कंपनियों के बारे में जानकारी मिली है, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कंपनियां अब चल रही हैं या निवेशकों का पैसा लेकर फरार हो चुकी हैं। एब्लेस का खुलासा होने के बाद लाइक वाली लूट में हर दिन नया खुलासा हो रहा है। नोएडा और गाजियाबाद में एक के बाद एक ऐसी कंपनियों का शटर बंद हो रहा है जो लाइक के नाम पर लोगों को ठग रही है। चंद दिन पहले ही गाजियाबाद में भी एड्स ऑनलाइन नाम की कंपनी बंद हुई थी। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर लाइक के नाम पर हुई ये लूट कितनी बड़ी थी। अकेले अनुभव मित्तल ने 3700 करोड़ रुपए की ठगी की है। वेबवर्क पर 500 करोड़ की ठगी का आरोप है और अब इस ठगी में शामिल छोटे छोटे खिलाड़ी बेनकाब हो रहे हैं। अब तक करीब 15 लाख लोगों से ठगी का खुलासा हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे इस खेल के छोटे खिलाड़ियों का खुलासा हो रहा है, जांच एजेंसियों को आशंका है कि ये घोटाला और बड़ा हो सकता है। अमित चौधरी, इंडिया 24/7, नोएडा। और बड़ी खबर इस वक्त यमुना एक्सप्रेसवे से, यहां पर एक्सप्रेसवे से आ रही दिल्ली से हाथरस जा रहा CA का एक छात्र जिसका नाम शुभम माहेश्वरी बताया जा रहा है वो लापता हो गया है। CA का ये छात्र है, ये दिल्ली से हाथरस की तरफ जा रहा था। छात्र के परिजनों ने किडनैपिंग का शक जताया। बताया जा रहा है कि छात्र जेवर टोल के ढाबे से लापता हो गया है। लापता छात्र के परिजनों ने जेवर थाने में केस दर्ज कराया है। ये दिल्ली के शकरपुर से अपने PG से हाथरस के लिए चला था। इसकी जो आखिरी लोकेशन है वो टप्पल के पास मिली। और हमारे संवाददाता अमित चौधरी जुड़े हुए। अमित, आखिरी लोकेशन के आधार पर अब तक कुछ पता लग पाया, कहां गया छात्र? देखिए आलोक, सबसे बड़ा सवाल तो सरकारी ट्रांसपोर्ट जिसमें वो सफर कर रहा था उसके ऊपर खड़ा होता है। दूसरा, यमुना एक्सप्रेसवे कई बार सवालों में खड़ा हुआ है, यहाँ होने वाले हादसों को लेकर और यहाँ होने वाली लूटपाट को लेकर। ऐसे में दिल्ली से ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने वाला छात्र अचानक जेवर टोल पर, जो पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि जेवर टोल पर जो ढाबा है वहां पर वो रुका था और वहां उस बस के तमाम यात्री रुके और वहां उन लोगों ने खाना खाया। उसी दौरान जो छात्र था उसने अपने परिवार को फोन करके बताया कि मैं यहाँ पर हूँ और रास्ते में हूँ, इतना समय मुझे वहां तक पहुँचने में लग जाएगा। उसके बाद से उस छात्र से परिवार की कोई बात नहीं हुई। पुलिस अधिकारी जो गौतम बुद्ध नगर के, उन तमाम अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि मोबाइल जो लोकेशन है उसकी, वो लास्ट लोकेशन टप्पल मिली जो अलीगढ़ जिले में पड़ता है, उसके पास जाकर उसका फोन बंद हो गया। उसके बाद से पुलिस अधिकारियों को अभी तक कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस अधिकारी इस बात को जरूर कह रहे हैं कि जो CCTV कैमरे टोल प्लाजा पर लगे हैं या ढाबे पर थे या इस सफर में जहां भी CCTV कैमरे होंगे उस आधार पर जांच करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ जो गायब छात्र है उसके मोबाइल की जो कॉल डिटेल है उसको भी पुलिस निकलवा रही है, किन किन लोगों से बात हुई इस दौरान, घर जाने के दौरान, उन तमाम चीजों को लेकर जांच करने की बात जरूर की जा रही है। लेकिन क्योंकि छात्र को गायब हुए काफी समय हो गया और अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, इतना समय बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। और दूसरी तरफ दिल्ली NCR में या यमुना एक्सप्रेस वे पे इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं पुलिस कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़ा करती है आलोक। जी अमित, नजर बनाए रखें, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंदिरापुरम के शक्तिखंड 3 से 13 फरवरी को रहस्यमय तरीके से लापता हुई आर्ची यादव, हालांकि सकुशल अपने घर वापस आ गई है, मगर 3 दिन बाद उसके परिजन और खुद आर्ची जो कहानी बता रहे हैं वो पुलिस की कहानी से बिल्कुल अलग है। मसलन जहां एक और पुलिस पढ़ाई के दबाव के चलते घर से आर्ची के खुद भाग जाने की बात कह रही है, वहीं आर्ची और उसके परिजनों के मुताबिक 2 महिलाएं उसे बेहोश करके ट्रेन से हिमाचल ले गई थी। जब आर्ची को ट्रेन में होश आया तो उसे रुमाल में कुछ नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया गया।
जब हिमाचल स्टेशन पर दोनों महिलाओं का ध्यान आर्ची से हटा तो आर्ची उन्हें चकमा देकर वहां से भाग गई और भागते भागते एक शख्स से मिली जिसने आर्ची को शेल्टर होम पहुंचाया। इसके बाद शेल्टर होम से ही आर्ची के घर पर संपर्क हुआ और इसकी सूचना परिजनों को दी गई। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस पर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगा है। पाँच बज के 44 मिनट पे एक कॉल आई, उस कॉल वो कॉल वाले बोले, मतलब वो रमेश मस्ताना जी की कॉल थी, वो बोले कि आपकी बच्ची गायब हुई है। मैं कहा हाँ, तो एक बच्ची हमारे पास है, मैं कहा प्लीज़ जरा बच्ची से बात कराइए। तो उन्होंने बात कराई, मैंने कहा आर्ची, ये बोली उधर से हाँ मम्मी, मैं कहा बेटा आप, तो मैंने कहा इस बच्ची का जरा एक व्हाट्सएप फ़ोटो भेजो। तो उन्होंने तुरंत एक व्हाट्सएप फ़ोटो भेजा, तो हमने कहा हाँ ये हमारी बच्ची है। तो उनके बाद फिर मेरे भाई ने उनसे फिर बात की। जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरी बच्ची ने तो मुझे यही वाली बात बताई, और मैं भी बता रही थी, जब मैं स्टॉप पर खड़ी थी वहाँ मुझे एक औरत कवर कर रही थी। तो बेटी ने बताया, वैसे तो जिसके साथ जो हुआ है जी उसी को हम मान के चलेंगे, पुलिस तो नई नई थ्योरी बना रही है जो भी है, क्या सही है क्या गलत है, पुलिस ने तो कोई कोशिश की नहीं जी। पुलिस को चाहिए कि जो हमने उनको फीडबैक दिया है जी, उन बिंदुओं पर जांच करें, उसके बाद डिसीजन हो। ये तो अपने आप उन्होंने बना लिया, जो भी बना लिया और बता दिया कि ये हो गया बच्चे के साथ जी। पढ़ाई के मामले में जो उन्होंने क्लू लिया है कि पढ़ाई की वजह से अपने आप भाग गई, पढ़ाई का तो अभी कोई प्रेशर है नहीं बच्ची के ऊपर। स्कूल ने भी माना है कि उसका केमिस्ट्री का असाइनमेंट नहीं पूरा था। स्कूल प्रशासन ने यह कहा है कि हम असाइनमेंट जो होते हैं उनके लिए बच्चों को टाइम देते हैं, पर प्रेशर नहीं होता स्कूल का। प्रेशर की बात नहीं है, स्कूल ने यह माना है कि इसका केमिस्ट्री का असाइनमेंट पूरा नहीं था। एक आंटी आई थी, मम्मी दीदी को शॉप पे लेने गई थी, तो फिर एक आंटी आई थी तो गेट थोड़ा सा खुला हुआ था, तो मैंने देखा कि कौन है। तो फिर एक आंटी थी, उन्होंने मेरी आंखों में देखा, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं हिप्नोटाइज हो रही हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि बेटा गेट खोलो, तो फिर मैंने गेट की कुंडी खोली, लेकिन फिर गेट खोला नहीं क्योंकि लॉक लगा था उसमें, और दूसरी चाबी सामने यहाँ पे टेबल पे रखी थी। तो फिर उन्होंने चाबी देख ली, तो फिर उन्होंने बोला कि सामने चाबी रखी है उससे गेट खोलो। तो फिर जब उससे गेट खोल दिया मैंने, तो फिर वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे नीचे तक लाई। फिर वहाँ पे जब मुझे होश आ गया थोड़ा सा, तो फिर मैं वहाँ से भागी। फिर आगे जाके थोड़ा सा मुझे एक और आंटी मिली, उन्होंने बोला कि बेटा आप रो क्यों रहे हो। तो फिर मैंने बोला कि आंटी, एक आंटी मेरे पीछे पड़ गई है, उन्होंने ऐसे ऐसे किया। तो फिर उन्होंने बोला कि बेटा मैं आपको आपके घर पे छोड़ के आ जाती हूँ। तफ्तीश की इस कड़ी में इतना ही, नमस्कार।